होते हैं और अदर एड्रेनल हार्मोन होते हैं उनको सिक्रीट करना, और यही मेन हार्मोन जो होते हैं वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फीमेल एनाटॉमी में, ओवरी से इसका रिलेशन है और मेंस में टेस्टिकल से, ठीक है। और लिवर का काम का जो काम होता है वो है इम्यूनिटी को मेंटेन करना, जो ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर है, जब ब्लीडिंग होती है तो जब ब्लड क्लॉट बनता है जिससे ब्लीडिंग बंद होती है, वो काम भी लीवर करता है। लीवर का काम मेटाबॉलिज्म करना, फूड को डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, और प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। और लीवर जो है ना एक एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप ही रीजनरेट होता है। तो इसका मैं भी मतलब बताऊंगा, व्हेन वी से रीजनरेट होता है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो लीवर में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ना तो लीवर अपने आप से उसको हैंडल कर लेता है, मतलब अपने आप को हील कर लेता है, इसी को रीजनरेट बोलते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि जब लीवर अपने आप को ही रीजनरेट और हील कर लेता है तो इतनी फिर टेंशन क्यों लेनी, इतनी प्रॉब्लम क्यों, इतना केओस क्यों, तो बेसिकली क्या है, बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल है। अगर लीवर की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जिसे अगर हम बोलें कि फैटी लीवर तक भी है तो भी वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। वो ट्रांसप्लांट में भी ऐसा कहा जाता है कि लीवर अपने आप को वापस से ग्रो कर लेता है और वो रीजनरेट अपने सेल्स को करके स्वस्थ हो सकता है वो, ठीक है। मगर जैसा मैंने बोला कि अगर ह्यूमन बॉडी में लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, है ना, वो कन्वर्ट सिरोसिस में हो जाए, तो फिर उसको वापस से रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब लीवर की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है हेपेटाइटिस हो। तो हेपेटाइटिस क्या है, लीवर में एक इन्फ्लेमेशन मार्कर है, और ये हेपेटाइटिस अल्कोहल के कंजम्पशन से भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जो कि हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी और ई है, कोई बैक्टीरिया और पैरासाइट से भी हो सकता है, हैवी ड्रिंकिंग करना, कोई और ऑटोइम्यून डिजीज है उससे होना। तो बेसिकली लीवर का जो एक मार्कर है वो हेपेटाइटिस है। तो अगर हेपेटाइटिस प्रॉब्लम होगी उससे लीवर डैमेज होगा तो फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया, अर्थराइटिस, जॉन्डिस और टेस्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली लीवर कनेक्टेड है इसलिए वो और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम वो कर सकता है, जिससे भूख ना लगना, है ना, जॉइंट पेन होना जो कि एक ऑटोइम्यून डिसीज है, एब्डोमेन पेन होना, थकावट होना, और जॉन्डिस में जैसे शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम होना। ओके, तो देखो जब इसका मार्कर मैंने बताया, मार्कर का मतलब है कि एक तरीके से जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, तो उसमें सर्टेन मार्कर्स होते हैं, तो उससे पता लगता है कि जातक को जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है। तो बेसिकली क्या होता है कि उस समय क्या होगा, कुछ बिलीरुबिन बनेंगे, बिलीरुबिन जो है उस अगर वो सर्टेन मार्कर से ऊपर जाएगा तो जॉन्डिस की प्रॉब्लम पता चलेगी, ठीक है। तो जिससे स्किन पीली पड़ना होना, और अगर बिलीरुबिन बढ़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस में बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिन एमिया बोलते हैं इसको। तो ये जो है इसका जब टेस्ट करता है जातक, तब पता चलता है कि भाई ये सर्टेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं इसलिए उसको ये वाली प्रॉब्लम है, यानी जॉन्डिस है। और उसके सिम्टम्स को मैंने बोले जैसे जॉइंट पेन से पता चल सकता है, एब्डोमेन पेन है, वॉमिटिंग है, नॉजिया है, तो उसको पता चलेगा, ठीक है। अब जॉन्डिस है, ठीक है, तो उसमें उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष का अल्कोहलिक लीवर हो, ठीक है, या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो, पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो, जो बाइल डक्ट है जो लीवर को क्या क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर से जो कनेक्ट करती है,
अगर उस बाइल डक्ट में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी ये प्रॉब्लम होगी जॉन्डिस की, अगर बाइल डक्ट में, जिसमें बाइल डक्ट मतलब इज ए जूस बेसिकली विच हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग द फूड, ठीक है। तो किसी भी डक्ट में अगर प्रॉब्लम आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसका जो कॉज है जॉन्डिस का, वो गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, पैनक्रियाज में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सर्टन मार्कर्स पता चलते हैं जब हम कुंडली देखते हैं, और साथ साथ अगर हम रिपोर्ट देख रहे हैं या हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हमको अंदाज़ा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है, उसको हम बता भी सकते हैं। और करेंटली अगर उसको है तो हम उसको मैप भी कर सकते हैं कुंडली से कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। तो अगर आपको वो मार्कर्स पता है, अगर आपको वो टिपिकल चीज़ें पता है कि जो देखनी बहुत ज़रूरी होती है रिपोर्ट में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम इस समय ही क्यों हुई है और ये कब तक चलेगी। मतलब एक अंदाज़ा तो आपको हो ही जाएगा, और हुई क्यों है वो तो आपको 100% पता चल जाएगा, कि जो रीज़न है वो तो आपको 200% पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिलीरुबिन क्या है, एक मतलब ये तब बनता है जब RBC जो है ब्रेक डाउन होती है। तो RBC का एक साइकिल होता है 120 डेज का, तो जब ये ब्रेक डाउन होंगी या समय से पहले वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, तो बिलीरुबिन ब्लड में पता चलेगा कि उसके मार्कर्स बढ़ चुके हैं, या जैसे मैंने बोला बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तब पता चलेगा उसका।